15 साल भी चलती है फिश। डॉग्स का डॉग फूड, कैट फूड, बर्ड फूड, डॉग एक्सेसरीज वगैरह मिल जाएंगी। ये फिश ठंडे एरिया में बहुत अच्छे से चलती हैं। ये गोल्ड फिश है, ये वाली, ये बंगाल की ब्रीडिंग है, ये भी गोल्ड फिश ही है बेसिकली। इन फिश को बोलते हैं शुबुनकिन, इस फिश को बोलते हैं जायंट ग्रामी। तो 150 रुपए का बाउल। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को हमेशा थोड़ा बड़ा एक्वेरियम ही लेना चाहिए, मतलब जो टॉप 5 जो आएंगे कस्टमर्स आपका वीडियो देख के उनके लिए अलग से इसमें 500 का ऑफ है। जितने भी आप देख रहे हो इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, चाहे वो ये वुड का टुकड़ा है, चाहे लकड़ी है, या ये पौधे जितने भी हैं, ये सब लाइव है। वीडियोस देख के आपके पास आते हैं उनके लिए तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं आपको कोशिश करूंगा, मैं आपको बेस्ट रेट दूंगा, खासकर जो आपका वीडियो देख के आएंगे तो मैं उनको बहुत अच्छी फिश देने वाला हूँ। बहुत ही स्पेशल देहरादून के एक ऐसी लोकेशन पे लेके आए हैं जहाँ पे आपको फिश एक्वेरियम, फिश और पेट एसेसरीज मिलने वाली हैं, ठीक है, और होलसेल रेट पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप राजपुर रोड या घंटाघर की तरफ से आते हैं तो आपको बीच में मिलेगा कांग्रेस भवन, उसके साइड से एक रोड जाती है, उसको बोलते हैं नैशविला रोड, जो कि ये रोड है, और इसी रोड में आपको लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको ये बालाजी फिश एक्वेरियम मिलेगा। और यहाँ पे पेट्स एसेसरीज भी मिलती है आपको, यानी कि उनके फूड से लेके उनकी जो भी एसेसरीज होती है वो मिलती है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे होल सेल रेट पे किस तरीके से फिश और एक्वेरियम जैसी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलाती हूँ बालाजी एक्वेरियम के ओनर से मिलाती हूँ। मेरा नाम विवेक है और ये स्टोर है 1998 से मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। काफी पुराना है, मतलब देहरादून का सबसे पुराना स्टोर है ये। मेरी मेन लाइन फिश है, फिश, ये ऑर्नामेंटल फिश, अच्छा। ये गोल्ड फिश और ऑस्कर्स, पैरट्स, ये जो मछलियाँ पालते हैं घर पे, ये मेरी मेन लाइन है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि फिश लाइफ कैसे आपको अच्छी देगी। लोगों की फिश 1 साल, 1.5 साल, 2 महीने, 6 महीने चलती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं कि फिश 5 साल और 10 साल कैसे चलती है। 15 साल भी चलती है फिश। मैं 15 साल इसलिए नहीं बोलता, कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन 15 साल तक फिश चलती है। तो चलिए, ये वाले सीक्रेट जो है वो अभी थोड़ी देर बाद आपको आपके साथ शेयर करेंगे। फिश की क्या रेंज होगी और आप होलसेल पे कैसे डील करेंगे, रिटेल पे कैसे डील करेंगे? हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग आपको बेस्ट रेट दे। ऑब्वियसली अगर मेरे को बेस्ट रेट दूंगा और हेल्दी फिश दूंगा, एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फिश का जो मैं आपको रेट बताने वाला हूँ फिश के, ये फिश का पैसा नहीं है, ये हेल्दी फिश का पैसा है। मैं आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी फिश 40 से 50 रुपीज का पेयर हो, लेकिन हेल्दी होगी। अच्छा। क्योंकि अगर एक भी फिश मैंने आपको बीमार दे दी तो वो एक बीमार मछली आपका सारा एक्वेरियम खराब कर देगी। हम लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि आप लोग को हेल्दी फिश है। इसके अलावा आपके पास फिश और एक्वेरियम के अलावा क्या क्या चीजें यहाँ प्रोवाइड? हमारे पास आपको डॉग्स का डॉग फूड, कैट फूड, बर्ड फूड, डॉग एक्सेसरीज वगैरह मिल जाएंगी, आपको मिलेगा ये सब। ये बहुत ही फेमस फिश हैं, बहुत ही कलरफुल फिश हैं, इनको गप्पीज बोलते हैं। और लोग इनको इसलिए भी रखते हैं क्योंकि बाहर आउटडोर में भी रखे जा सकते हैं। ये मस्कीटो लार्वा खाती है, कहीं पे भी पानी, अगर आप इसको गमले में, जो मिट्टी के गमले कई बार खा ले हमारे पास गार्डन में पड़े होते हैं, इसको वहाँ पे भी रख सकते हो। आउटडोर में बहुत अच्छे से रहती हैं और ये ब्रीड भी कर जाती हैं। इसमें मेल फीमेल बहुत ईजिली ब्रीड कर जाते हैं, हर 2-2 महीने बाद ये बच्चे दे सकती हैं। और ये 40 रुपीज का पेयर है, 40 रुपीज का पेयर, मतलब बस उसके बाद ये ग्लो टेट्रास बोलते हैं हम लोग इसको। ये ग्लो टेट्रा आजकल मार्केट में बहुत, सबसे ज्यादा हमारी मोस्ट सेलिंग फिश है ये। अच्छा, ये वाली ग्लो टेट्रास, हाँ, बहुत ब्राइट कलर्स हैं इनमें। और ये आपकी गोल्ड फिश के साथ कौन कौन से कलर्स अवेलेबल होते हैं? इसमें 5-6 कलर्स हैं, अभी हमारे पास 4 कलर अवेलेबल हैं। विंटर्स हैं अभी, तो विंटर्स में वैरायटी थोड़ी कम हो जाती है फिश की। अच्छा, ठीक है। और ये अभी ये 50-60 रुपीज़ के पेयर के आसपास रहती हैं, 50-60-70 फ्लक्चुएट हो, फिश के रेट हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अभी ये 60 रुपीज़ का पेयर है, ठीक है। अच्छा। और एक ये फिश है, इसको ज़ीब्रा डानियो बोलते हैं, ज़ीब्रा डानियो, ये गपीज के साथ बहुत अच्छे से चलती हैं। ये सबसे छोटी वाली है, ये फिश ठंडे एरिया में बहुत अच्छे से चलती हैं।
ये जो आप ये ऑरेंज कलर के देख रहे हो, ये हमारे मसूरी धनौल्टी वाले जो कस्टमर्स हैं वो लेके जाते हैं। अच्छा। मतलब ये बहुत हद तक ये ठंडा झेल जाता है। जब मसूरी में स्नोफॉल होता है उस एरिया में भी जिंदा रह सकते हैं। अच्छा। पॉन्ड में ऊपर बर्फ जम जाती है, ऊपर की लेयर में, नीचे ये मछलियाँ जिंदा रहती हैं। जो कार्प है इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि ये फिश आपको इजिली 15-20 ईयर्स का स्पैन दे के जा सकती है। 20 हाँ, मैं इसके लिए 15 ईयर्स बोल रहा हूँ। डॉग की लाइफ होती है 15 साल और इस फिश की लाइफ है 15 साल। ये गोल्ड फिश है, सबसे एक्वेरियम में सबसे ज़्यादा जानी पहचानी फिश है एक्वेरियम की दुनिया में, सबके घर में मिलने वाली फिश है। और इसको लोग ये इसके लिए ये बोलते हैं कि गोल्ड फिश बाउल में अच्छे से चल जाती हैं। वैसे मेरे पास बाउल के भी कस्टमर हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास दो साल वाले कस्टमर हैं, उनकी फ़िश बाउल में 2 साल से चल रही है। और इस फिश का एवरेज लाइफ स्पैन है 10-12 साल, 8-10 साल। मैं ये इतनी फ्लक्चुएशन 8-12 साल इसलिए बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने बड़े एक्वेरियम में रखा है, आप उनकी तरफ कितना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और आपको कुछ कीज बता देते हैं, आप एक रूटीन बना लो कि आपको हर हफ्ते आधा पानी निकाला आधा नया डाल दिया, 30% निकाला 30% नया डाल दिया। आपको नहीं टाइम मिल रहा, 15 दिन के बाद आधा पानी निकालो आधा नया डाल दो, पार्शली वाटर चेंज करते रहो, आपके एक्वेरियम में कभी कोई दिक्कत आएगी। तो ये मेन पॉइंट यही है कि आप अपने फिश को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, उनके लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और जोड़ देते हैं इसके साथ, ये जो हम मैं बोल रहा हूँ कि आधा पानी निकाला, ये जो हमने पानी बाहर फेंकने से अच्छा आप इसको इसी पानी को आप गार्डन में यूज़ करो। अच्छा। इसमें इतने फर्टिलाइज़र हैं इस पानी में, इसमें बहुत सारी ये जो फिश जो पूप करती हैं, जो पॉटी करती हैं, तो ये बहुत फर्टाइल पानी है आपके पौधों के लिए। अच्छा। ठीक है, बहुत खाद है इसके अंदर, तो आपके पौधों को भी फिश पानी वेस्ट क्यों करना, तो इसी पानी को आप गार्डन में यूज़ करो, ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे, पौधे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, है ना। ये सिकलेट्स हैं, इनको ग्रीन टेरर बोलते हैं, ग्रीन टेरर, ठीक है, नाम में टेरर है। तो ये मछलियाँ गोल्ड फिश के साथ नहीं रह सकती, ये फिश गोल्ड फिश के साथ नहीं रहेगी, इसको ग्रीन टेरर बोलते हैं। और इसका एवरेज लाइफ स्पैन फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि 4-5 साल ये जिंदा रह जाती हैं, 5-6 ईयर्स भी रह जाती हैं। और मतलब अमेरिकन साउथ अमेरिकन सिकलेट्स हैं ये जो आप फिश देख रहे हो, इसको ऑस्कर बोलते हैं। इस ऑस्कर में और भी ये कलर्स हैं इसमें, ऑस्कर में इसको फायर ऑस्कर बोलते हैं, इसको टाइगर ऑस्कर बोलते हैं। ये इम्पोर्टेड है, ये थाईलैंड का इम्पोर्ट है ये जो फिश है। ये बंगाल की फिश हैं, ये वाली ये बंगाल की ब्रीडिंग है। हैं ये भी ऑस्कर्स, हैं ये भी ऑस्कर्स, लेकिन ये इम्पोर्टेड है और ये लोकल है। अच्छा, तो इनकी प्राइस भी थोड़ा सा आप हाँ कर, ये जो आप देख रहे हो इम्पोर्टेड ऑस्कर है 3 इंच का, ये 380 का पेयर है, 380 रुपये जोड़ा। ये जो आप देख रहे हो ये लगभग है ये 5 इंचज होएगा, ये 800 का पेयर है। ये ग्रीन टेरर है, ये 250 का पेयर है। फिश के रेट कभी भी फिक्स नहीं रह सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, 10-20% का फ्लक्चुएशन फिश के रेट में रहता है। वीडियोस देख के आपके पास आते हैं उनके लिए तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं आपको कोशिश करूंगा, मैं आपको बेस्ट रेट दूंगा, खासकर जो आपका वीडियो देख के आएंगे तो मैं उनको बहुत अच्छी फिश देने वाला हूं और बहुत अच्छे रेट भी देने वाला हूं। कमेंट्स में आप जरूर डालिएगा कि आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि पानी को पहले थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा उसी में रहने दीजिए, और बाकी आप लोगों के फिश कितने कितने टाइम से अभी तक हैं आपके पास। इसको बोलते हैं ब्लैक मूर। तो ये जो है ये 80 रुपीज़ का पेयर है। अच्छा। 80 रुपये जोड़ा। तो ब्लैक को थोड़ा सा अच्छा भी मानते हैं कि इसे भी रखना चाहिए अपने एक्वेरियम। अगर हम वास्तु के ऊपर चलते हैं, 8:1 के रेशो में रखी जाती हैं 8 सुनहरी और 1 काली मछली। अच्छा। तो ये वास्तु के हिसाब से शुभ मानते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि आप खाना डाल के आओ तो आपको, आप घर पे एक्वेरियम रखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मछलियों को घर बैठे बैठे सुबह शाम खाना डालो। आप 10 मिनट टीवी देखते हो, आप 10 मिनट एक्वेरियम के आगे बैठा, आपको वैसे ही बड़ा अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न। ये मतलब बहुत रेयर है, ऐसा हम्प निकला नहीं रहता है इन मछलियों का, लेकिन ये इसका बड़ा अच्छे से हम्प निकला हुआ है। अच्छा, बड़ी अट्रैक्टिव फिश है, इम्पोर्टेड है, थाईलैंड का इम्पोर्ट है जो आप देख रहे हो। अच्छा, अच्छा। तो ये होएगा अभी 6 इंच के आसपास का साइज है। अच्छा। ये 2500 का सिंगल पीस है, ये फिश एक्सपेंसिव है लेकिन ये बहुत रेयर फिश है ये वाली। और इसको बोलते हैं रेड पैरेट, इसको बोलते हैं येलो पैरेट, ये पैरेट फिश है, लेकिन ये गोल्ड फिश के साथ नहीं रख सकते आप। ये भी बड़ा मतलब हम लोग तो वही फिश देते हैं ऑब्वियसली जो आपस में चलें, तो कस्टमर्स को भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये नहीं कि आप स्टोर पे गए और कोई सी भी फिश उठा के ले आए। तो पहली बात तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम लोग खुद ही आपको बताएं कि ये फिश इसके साथ चलती है और ये इसके साथ चलती है।
ये भी गोल्ड फिश ही है बेसिकली, तो ये गोल्ड फिश वाले टैंक में बड़ी सुंदर लगती हैं, मतलब रेड कैप, इसलिए सिर्फ इनका हेड के ऊपर रेड है तो इसलिए इसका नाम बड़ा इजी मतलब रिकॉग्नाइज हो सकती है, फिश रेड कैप बोलते हैं इसको। ये अभी 4 इंची का साइज है रेड कैप का और ये 120 रुपए का पेयर है, 100, 120, 100, 120 ये रेंज रहती है। इन फिश को बोलते हैं शुबुनकिन गोल्ड। इन फिश का भी बहुत अच्छा स्पैन है, इनफैक्ट ये गोल्ड फिश फैमिली की सबसे टफ लाइफ मानी जाती है इस फिश की। तो ये है आपका 70 रुपीज़ का पेयर है ये जो फिश है, और इनका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है, गोल्ड फिश के साथ आराम से चल जाती है। ज़्यादातर इन मछलियों का रेट आपको मिलेगा 80, 100, 120 रुपए जोड़ा। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको इस फिश को, किसी भी मछली को हम लोग 60, 70, 80 रुपए जोड़े तक रोक दें, उससे ऊपर ना जाने दें। और इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें कि आपको हेल्दी फिश मिले। इस फिश को बोलते हैं जायंट ग्रामी, आपको नाम से पता चल रहा होगा इसका नाम जायंट क्यों है। तो ये फिश काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, ये अप टू 2.5-3 फिट तक जाती है ये फिश। अच्छा। अभी तो ये सिर्फ 1 फुट की है। इसको अकेले रहना पसंद है। अच्छा। और इस फिश की खासियत यह है कि ये इसको बनाना, अंगूर, संतरा, ऑरेंज वगैरह, पीज, मटर के दाने, इसको फ्रूट्स बहुत पसंद है इस फिश को। बहुत पसंद है इसे। और कार्निवरस है ये, ओमनीवरस है सॉरी। अच्छा। तो मतलब ये फ्रूट्स वगैरह भी खा लेती है, और ये श्रिम्प, झींगे होते हैं सूखे, वो भी खा लेती है। अच्छा। अब हम फिश फूड के बारे में बात करते हैं। ये ऑप्टिमम ब्रांड का फिश फूड है, थाईलैंड का फिश फूड है और जेन्युइन है मेरे यहाँ पे आपको हमेशा, और इसमें डुप्लीकेसी बहुत है। अच्छा। ये ओरिजिनल है बालाजी, मतलब ओरिजिनल, ये भी पक्की बात है। वो बेजुबान प्राणी है तो मैं उनको कभी भी नकली खाना नहीं बेचूंगा, ये पक्की बात है। ये सब जगह आपको 120-130 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग आपको बेस्ट रेट दें। ये 200 ग्राम का पैकेट है और ये 100 रुपए का है, 100 रुपीज़ का, और जेन्युइन है, 100% गारंटीड है, ओरिजिनल है। ऑनलाइन से भी कंपेयर करना आपको बेस्ट रेट मिलेंगे। एक इसमें हिकारी आता है, ये सारी इम्पोर्टेड, ये जापानीज रेंज है, ये जापान का फिश फूड है हिकारी। ये बहुत ही नोन ब्रांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल ब्रांड है हिकारी। ये 300 ग्राम का पैकेट है और ये 650 रुपए का है। 650 जी। छोटे वाले पैकेट्स भी मिल जाएंगे, इसमें छोटा भी आता है, छोटा थोड़ा महंगा पड़ता है इसलिए हम उसको इतना प्रमोट नहीं करते, मिल जाएंगे मेरे पास आपको। अच्छा। तो बाकी जो मेडिसिन्स वगैरह होती है वो सब मिल जाएंगी आपको, सब मिलेगा, डॉग कैट सबके मिल जाएंगे सब आपको। एक्वेरियम से फिश से रिलेटेड तो आपको सब कुछ मिलेगा, डॉग का मेरे पास बेसिक सामान है, बेसिक एक्सेसरीज है, और एक्वेरियम से रिलेटेड आपको ये फिल्टर्स मिल जाएंगे। फिल्टर्स मेरे यहाँ पे आजकल कस्टमर शिकायत करे कि हमारे फिल्टर्स ज़्यादा नहीं चल रहे, लेकिन ये जो फिल्टर है ये आपको अच्छा चलेगा, 300 का फिल्टर है और अच्छा चलेगा ये फिल्टर, आपको 1-1.5 साल चल जाएगा। आप लोग रेगुलरली फिल्टर साफ करते रहा करो, मैं फिर से बता रहा हूँ, रेगुलरली फिल्टर साफ, हर हफ्ते फिल्टर साफ करो, और हर हफ्ते जब आप फिल्टर साफ करो तो लगता है आप एक बकेट पानी निकाल के एक बकेट पानी भी नया डाल दिया, तो फिश आपकी बहुत अच्छी चलेंगी, फिल्टर अच्छे चलेंगे। एक्वेरियम को अगर जो थोड़ा सा डेकोरेटिव करना चाहते हैं तो इस तरह की एक्सेसरीज आपको मिल जाएगी। सब चीज़ में हम आपको नहीं दिखा सकते, आप ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, सब चीज़ हम नहीं दिखा पाएंगे। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आप भैया से कॉन्टेक्ट करके या वीडियो कॉल्स के थ्रू भी देख सकते हैं। तो भैया अब हम आपके एक्वेरियम से स्टार्ट करते हैं। अब एक स्पेशल एक्वेरियम मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेशल इसमें यह है कि इसमें ये जितने भी आप देख रहे हो इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, चाहे वो ये वुड का टुकड़ा है, चाहे लकड़ी है, या ये पौधे जितने भी हैं सब लाइव, ये सब लाइव हैं, मतलब लाइव, इसको प्लांटेड टैंक बोलते हैं, सब ओरिजिनल है। अच्छा। उतने अच्छे से मेंटेन नहीं है तो, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्शन आपको सब नेचुरल लगेगा इसमें एक खासियत ये भी है कि इसमें फिश बहुत हैप्पी रहती हैं। अच्छा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो अपने ही कहीं नदी वदी में घूम रही हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे प्लांटेड टैंक और ऐसा सेटअप घर पे बनाया जाए जिसमें नेचुरल प्लांट्स, जिसमें नेचुरल और लाइव प्लांट्स हो, ये ऊपर भी ये सब फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जितने भी देख रहे हो, तो ये सेटअप हम घर पे भी बनाते हैं, तैयार करते हैं। और अभी मैम आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे देंगी, तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हो कि ये प्लांट्स अच्छे कैसे चलेंगे और डेंस कैसे होंगे। अच्छा। मेरे प्लांट्स उतने डेंस नहीं है, मैं जानता सब कुछ हूँ लेकिन उतना कर नहीं पाता हूँ। मेरे पास बहुत सारा लाइव स्टॉक है, बहुत सारे एक्वेरियम्स हैं मेरी शॉप पे, 62 एक्वेरियम्स हैं। अच्छा। मैं शायद सभी की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी अगर आप, मैं टिप्स बड़े अच्छे अच्छे दे दूंगा आपको। अच्छा। तो हम लोग ये सेटअप वगैरह सब बनाते हैं घर पर, आपको घर के लिए कोई भी आपको फूड की डिलीवरी और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो हम लोग घर पर भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो फिश हैं, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि गोल्ड फिश बहुत अच्छी लाइफ दे के जाती है, तो ये 4 ईयर्स
तक कस्टमर्स ने अपने पास रखी हैं गोल्ड फिश। अच्छा। और उसके बाद ये हमारे पास आई हैं। जब कस्टमर्स का एक्वेरियम छोटा पड़ जाता है तो हमें वापस कर देते हैं कि भाई आप इसके बदले में फिर से छोटी फिश दे दो। अच्छा। तो ये फिश हैं कस्टमर हमारे यहाँ आती रहती हैं, बहुत सारी फिश आती रहती हैं हमारे पास, ये सब कस्टमर्स के घर से आई हैं। अच्छा। तो पर अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो कि उनके स्पेस की प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों के पास, आप इस तरीके की भी अगर उन्हें फैसिलिटी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। 150 का ये बाउल है जो आप देख रहे हो, 150 का बाउल, और इसमें आप 150 का और खर्चा मान लो आप तो 150 रुपए का बाउल और 150 रुपए और, तो ये 300 में कम्प्लीट हो जाएगा। एक चीज और, ये वाले जो बाउल हो गए या इस टाइप के बाउल हो गए बड़े बड़े मॉल्स में, वहाँ पे लिखा रहता है इसका रेट 499 599 699। तो मेरे यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको वो 499 500 600 में नहीं मिलेगा, वही बाउल आपको 250 300 रुपए में तैयार हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा बाउल आपको 400 में फिश फूड फिल्टर, वो भी 500 में नहीं जा रहा है, वो भी 500 में नहीं जा रहा है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक्वेरियम की रेंज पे चलते हैं, क्योंकि बोल बहुत सारे हैं लेकिन हम सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है ना। जब मेरे फादर ने काम स्टार्ट किया था तो हैंडमेड एक्वेरियम चलते थे, उसमें हाथ का बना जुड़ा हुआ कांच होता था, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज ये था कि उसमें ना साइड में फिल्टर साइड में लगते थे और वो फिश के ऊपर बहुत तेज प्रेशर डालते हैं, तो वो फिल्टर को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिश की लाइफ घटा देते हैं बहुत ज्यादा। रीजन ये है इनको बेचने का कि इतने से एक्वेरियम में एक तो उन्होंने मोल्डेड ग्लास दे दिया, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, और दूसरा लाइफ कैसे बढ़ जाती है इस फिश की। ये जो आप एक्वेरियम देख, इसमें अब ये टॉप फिल्टर आ जाता है। अच्छा। सारा गंदा ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, यहाँ पे ये फिल्टर है, इसमें स्पॉन्ज वगैरह है इसके अंदर, तो सारा गंदा ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है और यहाँ से पानी नीचे गिरता है तो फिश के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ता। बिल्कुल। और फिश लाइफ मतलब जिस तरीके से ये वाला एक्वेरियम चल रहा है सेम, हाँ, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सारा गंदा ऑटोमेटिकली यहाँ ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, चुपचाप पानी ऊपर गया और यहाँ से नीचे उतर के आ गया। फिश को बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, ना मेरे पौधे डिस्टर्ब हुए, ना फिश के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर पड़ रहा है। तो पुराने जमाने के जो एक्वेरियम होते थे उसमें जो फिल्टर, कई दुकानदार अभी भी बेच रहे हैं लेकिन मैं उसको इतना प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें जो फिल्टर है एक तो आपको हर हफ्ते साफ करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो चोक हो जाएगा। इसको आप चाहे 15 दिन 20 दिन बाद भी साफ करो, फिल्ट्रेशन चल भी रही है और दूसरा फिश के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा। अच्छा। ये 2,2200 रुपए की रेंज में है। अच्छा। ये 2,000 की रेंज में है। अच्छा। ये 2,300 का ये वाला एक्वेरियम, सॉरी। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को हमेशा थोड़ा बड़ा एक्वेरियम ही लेना चाहिए, क्योंकि आज आपकी फिश चलेंगी, 6 महीने बाद आपको ना वही एक्वेरियम थोड़े छोटे छोटे लगेंगे। सही बात है। ये 4,500 का एक्वेरियम है, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं 1,800 2,000 2,200, तो अभी उससे 2.5-3 गुना बड़ा है, तो ये 4,500 का एक्वेरियम है, प्लस वही 4,500 रुपीज़ आप ऐड करते रहिए फिश के फूड के। और ये जो एक्वेरियम है अभी कैबिनेट के साथ है, बड़ा अच्छा, पहले लोहे के स्टैंड भी चलते थे लेकिन अब वुडन कैबिनेट अच्छी लगती हैं घर पे देखने में। तो ये जो एक्वेरियम है 10,000 रुपये का एक्वेरियम है। अच्छा। एक और ब्रांड है हमारे पास, उसने यही चीज़ 8,500 रुपये में दे रहा है, मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ये 2 फिट का एक्वेरियम है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि कंपनी आपको, मैं बार बार ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो फिल्टर है, ये जितने भी इम्पोर्टेड एक्वेरियम है, मेरा रीज़न ये है कि मैं इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि ये जो फिल्टर है ये आपके फिश की लाइफ दुगनी कर देंगे। इसको खासकर ये टॉप फिल्टर है, ये यहाँ से पानी को अपलिफ्ट करके यहाँ पे गिरा देता है। अच्छा। और यहाँ से पानी नीचे गिर जाता है, गंदा सारा यहीं पे ट्रैप हो जाता है स्पॉन्ज में, ठीक है, और यहाँ से छना हुआ पानी नीचे गिर जाता है। तो इसको एक तरीके से एरोबिक फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं या वेट ड्राई फिल्टर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया बनता है। ये बायोलॉजिकल रीजन है, इसमें गुड बैक्टीरिया बनता है। और हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर आपको 10 दिन 15 दिन टाइम नहीं भी मिला साफ करने का तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक्वेरियम की जान होती है फिल्टर। फिश की लाइफ कहाँ है, अगर फिल्ट्रेशन अच्छी चल रही है, वाटर क्वालिटी अच्छी है, तो आपकी फिश बहुत अच्छी लाइफ देके जाएगी, ये बात पक्की है। तो ये 8,500 रुपए का एक्वेरियम है, ये जो आप देख रहे हो 2 फिट का है विद कैबिनेट, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रेट है इस टाइम मार्केट में। और 8,500 रुपए का ये वाला एक्वेरियम फिल्टर। हमारे व्यूअर्स इस वाले एक्वेरियम को लेने के लिए आगे तो लास्ट आप बता दीजिए ताकि वो आए और लेके जाए। देखिए एक चीज़ है, हमारे रेट फिक्स हैं, रेट फिक्स है, यहाँ से चीज़ कभी गलत नहीं जाएगी आपके लिए, आपके लिए फिर भी मतलब जो टॉप 5 जो आएंगे कस्टमर्स आपका वीडियो देख के उनके लिए अलग से इसमें 500 का ऑफ है।
500 का ऑफ आपको मिल जाएगा, मतलब ये खड़े खड़े 500 का ऑफ है, बहुत ये सबसे तगड़ा डिस्काउंट है अभी अब तक का। बताइएगा कि वो ऑफ किसको मिला है जो 500 का, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो ही मैं आप लोगों के लिए इस तरह की देहरादून से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है जी, एक्वेरियम में किसी भी एक्वेरियम में ये फ्लैट 500 कर दिया हमने किसी भी एक्वेरियम में, और ये बेस्ट रेट है, मैं उस रेट पे डिस्काउंट है ऑलरेडी, वो डिस्काउंटेड रेट से है, बात हमेशा ध्यान में रखना। ये 8,500 रुपए का था, उसके बाद ये जो आप एक्वेरियम देख रहे हो 10,000 रुपए का एक्वेरियम है, ये जो आप मॉडल देख रहे हो। वैसे मैं उस मॉडल को बहुत रेकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा, मतलब वो वैल्यू फॉर मनी एक्वेरियम मानता हूँ मैं इस एक्वेरियम को। ठीक है जी, इसके बाद आपको और ये कॉर्नर एक्वेरियम है मैं, तो अगर कोई अपने प्यारे से घर के लिए, नए घर के लिए, या आपका घर जैसा भी है आपका, अगर स्पेस काफी अच्छा है तो आप इस तरह के एक्वेरियम देख सकते हैं, जिसमें आपको नीचे काफी डेकोरेटिव चीजें रखने के लिए भी मिल जाएगा और कैबिनेट्स में उसमें हैं बाकी। और आप एक छोटी सी रेंज और देख लेते हैं, ये 12,000 का एक्वेरियम है, और ये जो आप देख रहे हो आगे हम, ये 2 फीट था, ये 2.5 फीट का एक्वेरियम है। अच्छा, ये आपका 20,000 का एक्वेरियम है जो आप देख रहे हैं। तो जिन भी लोगों को अगर कहीं और किसी और रेट में मिला था, यहाँ पे आपको लगता है कि रेट्स आपके अकॉर्डिंग ही है, तो आप यहाँ पे आके एक बार ट्राई जरूर करना। बाकी मटेरियल तो आप खुद से जब देखेंगे उसकी क्वालिटी वगैरह जो भी होगी वो आप खुद ही देख के कंफर्म कर सकते हैं, है ना? ये मेटल है सारे जो आप देख रहे हैं, पानी का इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं। अच्छा, ये 20,000 का एक्वेरियम है जो आप देख रहे हो, और इसके बाद ये बहुत फेमस मॉडल है जो आप देख रहे हो ये वाला, ये 26,000 का ये वाला एक्वेरियम, एक्वेरियम प्लस कैबिनेट, फिल्टर और लाइट तो आपको मिल ही रहा है हर एक्वेरियम। अच्छा, ठीक है जी, और इसके बाद ये 3.5 फीट का एक्वेरियम है ये वाला, ये मेटल है और बहुत ही मेरे पास ये एक्वेरियम आजकल बहुत डिमांड में, इस दिवाली पे हमने इसके बहुत मॉडल लगाए थे, इसके काफी एक्वेरियम लगाए थे इस मॉडल के, और ये वाला एक्वेरियम जा रहा है आपका 28,000 का, ये वाला एक्वेरियम जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये 3.5 फुट का एक्वेरियम। उसके बाद एक मॉडल और है हमारे पास, बहुत ही सुंदर एक्वेरियम है ये वाला, सुंदर इसलिए है इन्होंने यहाँ पे टच पैनल दे दिया हम लोग को। अच्छा, अभी ये हमें रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है 18.1 इस रूम का, जैसे हम इसमें पानी भर देंगे तो ये इसका एक्वेरियम का टेम्परेचर बताएगा। अच्छा, टाइम डेट वगैरह आप इसमें सेट कर सकते हो, बहुत सुंदर एक्वेरियम है ये वाला। अच्छा, ये 32,000 का एक्वेरियम है जो आप देख रहे हो, और भी रेंज है, बहुत सारी रेंज है हमारे पास कवर करने के लिए, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो अगर आप होलसेल में लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई शॉपकीपर्स वगैरह हैं, तो आप उनसे इनसे अलग तरीके से मतलब कांटेक्ट करके कर सकते हैं, बाकी ये जितने भी रेट्स हमने अभी बताए हैं आपको वो रिटेलर्स के लिए हैं। बिल्कुल, हमारा गोडाउन है, इसके अलावा आप गोडाउन में हम लोग जो जितने भी शॉपकीपर हैं, दुकान है, लोकल दुकानदार है, वो हमारे से गोडाउन में इसे हम लोग डील करते हैं, तो और भी बहुत सारा स्टॉक है, आप लोग गोडाउन में मतलब हमारे से नंबर पे कॉन्टैक्ट करो आप। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हमने आज आपको दिखाया देहरादून का एक ऐसा स्टोर जो काफ़ी पुराना है और जहाँ पे आपको फिश और फिश एक्वेरियम मिलते हैं, और साथ के साथ उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो आपको हमने शॉपकीपर्स ने बता ही दिया है, बाकी आप उनके टच में रहेंगे, आप उन्हें उनसे कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको वो शेयर करते रहेंगे, तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके यूज़फुल थी और किसी और के भी यूज़फुल हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, और जो लोग आज हमारे चैनल में पहली बार हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कीजिए, और अगर इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी गैलरी में आप लोगों के लिए इस तरह की और भी वीडियोज़ है जो कि देहरादून से रिलेटेड है, जो कि आपके देहरादून के मार्केट को एक्सप्लोर करती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।